तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक जो हमने पेज स्पेशल में मिस की थी वो हम आपको कराते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ डेटा लेना होगा, तो मैं कुछ यहाँ पे डेटा लेता हूँ। पेस्ट और वापस पेस्ट, एक नया शीट खोला, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। तो मेरे पास पांच सीटें हैं और पांच सीटों में डेटा अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा सर। तो मेरे पास पांच अलग अलग सीट्स हैं और उस पांचों सीट में हमारे पास अलग अलग डेटा है। और मुझे यहाँ पे एक क्लास सीट जो डेटा सीट है मुझे इस पे उस डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, जिसे कंपाइल करना है, जिसे नॉर्मली हम कंपाइल करते हैं ना एक के नीचे, वो मुझे इसको कंपाइल करना है। यहाँ पेस्ट किया, फिर इसको कॉपी किया, फिर इसके नीचे पेस्ट किया, इस तरीके से कंपाइल करनी है। ओके, तो जनरली वन बाय वन अगर हम करते हैं तो हमें काफी टाइम लगता है ना सर, तो हम वन बाय वन नहीं करते हैं। तो इसका एक शॉर्ट तरीका हम आपको बताते हैं, चलिए ठीक है सर। तो इसका जो पहले आपको क्या करना है, पहले कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे डेटा पे, फिर सबसे लास्ट में आएंगे, देन पेस्ट करेंगे। तो इसमें आपका हम ये तो नहीं करा कि हर ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका 50% काम जो है वो हम आपको जो है 50% काम हम आपका कम कर देंगे, ठीक है सर। अभी बस 2 मिनट, तो हम क्या करेंगे, यहां क्लिपबोर्ड जो दिख रहा है आपको, इस क्लिपबोर्ड को ऑन कर देंगे, इस क्लिपबोर्ड को ऑन कर देंगे। अब क्लिपबोर्ड ऑन करने से फायदा क्या होगा कि अब जैसे जैसे कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होते चला जाएगा। हमने इसको कॉपी किया, फिर इसको कॉपी किया, फिर इसको कॉपी किया, फिर इसको कॉपी किया, और फिर इसको कॉपी किया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट कर करके कॉपी करना है, और उसके बाद जहां पेस्ट करना है वहां पे जाइए, और जो आप पेस्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पेस्ट का ऑल का ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है। सारा एक के नीचे ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। कुमार जी एंड देवेंद्र जी एंड राकेश जी, समझ में आया, डाउट तो नहीं इसमें? नीचे साइड में हमने क्लिक किया था उससे, या नीचे जो यहां दिख रहा है ना सर, यहां पे इस पे ठीक है सर। तो समझ में आ गया आपको, चलिए। अब इसका यूज सिर्फ एक्सेल में नहीं, इसे आप किसी और से पावर पॉइंट से या कहीं और से भी लेते हो तो वहां से भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में।
देखिए फॉर्मेटिंग ट्रिक्स जैसे कि मतलब कि हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट में मेनली क्या होता है, हम उस रिपोर्ट में मेनली हम सबसे पहले उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, राइट। तो अगर हमने रिपोर्ट का फॉर्मेट सही तरीके से तैयार नहीं किया, रिपोर्ट इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो फॉर्मेटिंग तो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग्स हैं जो कि आपको सीखना चाहिए। जहाँ कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग है जो कि आपको सीखना चाहिए, तो कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग क्या है, चलिए इसी चीज पे हम आपको डिस्कस करते हैं। तो जो कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग है वो है आपका जैसे कि मान लीजिए यहां पे हम 10th लिखते हैं, मेरा TH ऊपर नहीं जाता ना। नॉर्मली वर्ड में आप जाएंगे तो नॉर्मली वर्ड में आपका ये ऊपर चला जाता है, ठीक है सर। तो कैसे जाएगा ऊपर, तो इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक, और जाना होगा फॉर्मेट सेल में, और यहां पे आपके सामने यहां सुपर स्क्रिप्ट है। जी हाँ, पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है और फिर सुपर स्क्रिप्ट में जाना है, तो फिर आपका ये हो जाएगा। फिर ऐसे मान लीजिए मुझे सेकेंड में MD करना है, तो ऐसे आप डबल क्लिक कीजिए, MD को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और फिर इसमें आप सुपर स्क्रिप्ट कर दीजिए। उसी तरीके से आपके पास अगर एच 10 स्क्वायर करना है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 स्क्वायर करना है, तो 102 आपने लिखा और आपने 2 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्म सेल एंड यहाँ सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। लेकिन अब ये दिख रहा है, पर एंटर प्रेस करते हाथ के साथ ही आपका ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जो है वो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट वर्क करता है सिर्फ किसके ऊपर, उस टेक्स्ट के ऊपर। तो यहां पे हमने सिंगल कोट लगाया और यहाँ पे 2 को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ हम सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो ये आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से मुझे अगर 10 डिग्री करना है तो 10 और इसमें हमें स्मॉल ओ हम लिख देते हैं और इस स्मॉल ओ को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ हम सुपर स्क्रिप्ट। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मेरे पास काफी सारा डेटा है, ये तो चलो हमने एक दो डेटा था तो कर दिया, तो काफी सारे डेटा है हमारे पास। अब इस सबके ऊपर मुझे मान लीजिए कि डिग्री लगाना है, तो प्रॉब्लम ये है कि सबके ऊपर एक एक करके और डिग्री लगाना, क्योंकि ये तो चलो 4-5 है, लेकिन अगर मान सकते 4-500 होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे करें इसके लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक अलग कॉलम में हम ओ लिख देते हैं, उस ओ को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और इसकी अलाइनमेंट मैं यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ, फिर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और यहाँ मैं सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ और फिर इन दोनों को इस कॉलम को छोटा करता हूँ, इस कॉलम को छोटा कर दिया, कॉलम को छोटा किया और फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिर हम राइट क्लिक करके बॉर्डर में गए, फॉर्मेट सेल के बॉर्डर में, और बॉर्डर में ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ ए दूंगा, ए दूंगा, ए दूंगा, ए भी दूंगा और बीच वाला भी दूंगा, साइड वाला जो है नहीं देना है, ताकि ए जो एफ कॉलम, ई कॉलम और एफ कॉलम के बीच का जो बॉर्डर है वो अप्लाई ना हो। लेकिन फिर भी ये बॉर्डर तो दिख रहा है ना, तो उसके लिए आप पेज लेआउट में जाएं और यहां से ग्रिड लाइन को हटा दें। तो अब दो कॉलम है, पता नहीं चलेगा, एक ही कॉलम है ऐसा लगेगा। ओके सर, समझ में आया? हेलो, चलिए
अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ आओगे अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज, एक चीज और भी है कि कुछ हम यहाँ पे सेल्स रखते हैं, मान लिया कुछ सेल्स का फिगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, वैल्यू कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि अगर इसमें अगर कोई नंबर मेरा गलत होता है, तो जनरली आपके पास अगर प्रिंट आउट हो तो आप पेन पेन से इसको क्रॉस कर देते हैं ना, इस तरह से, जैसे मैंने लिया और मैंने यहाँ से इसको इस तरह से क्रॉस कर दिया। लेकिन ये तो मेरा जूम ऐप का फीचर्स है, एक्सेल में कैसे करेंगे, एक्सेल में कैसे करेंगे? तो एक्सेल में करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। तरीका ये है कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल में चलते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट सेल में हम यहां पे ये बॉर्डर लेते हैं, बॉर्डर के कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और ये थिकनेस भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। और मैंने ये ले लिया क्रॉस कर, और हमारे पास F4 होता है जो कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। F4 हमारा लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। जैसे कि ये जो हुआ, इससे पता चल गया ना कि रॉन्ग है, गलत है। जैसे आप, मैं कुछ बता रहा हूं, होता क्या, जैसे आपको कोई ऐसी डेटा मिली जिसमें आपको ये करना है, मान लीजिए कि आपको जो है, सॉरी, आपको इसका QC करने के लिए बोला गया, तो QC में कोई चीज गलत हो गई तो आपको उसको बताना होगा ना कि गलत हो गई। तो अब क्या है कि सामने वाला बंदा इतना समझदार नहीं है कि इजीली समझ जाएगा, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं, समझे। सर लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगी जिसे हमने बताया, तो क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास ये है, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग किसी भी फॉर्मूले को ये नहीं करती है, मतलब कि कंसीडर नहीं करती है। तो हमारे पास एक फॉन्ट होता है, मैं इस फॉन्ट में जाता हूँ और यहाँ नीचे एक फॉन्ट होता है कैलिबरी का, ठीक है ना, नहीं इसका बाइंडिंग टू या बेडिंग टू करके होता है, एक मैं दिखाता हूँ आपको, बेंडिंग टू। तो इसमें अगर आप P लिखेंगे तो क्रॉस का निशान दिखा देगा, ठीक है। अगर हम P लिखेंगे तो क्रॉस का निशान आपको दिखा देगा।
अगर मैं यहां पे ओ लिखता हूं तो ये इस तरह का निशान, नहीं पी एक राइट का निशान होता है और ओ जो होता है कैप्स में वो क्रॉस का निशान होता है। इस पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि हाँ यहां भी विजिबिलिटी आपकी पी है लेकिन आपको दिख रहा है विजिबिलिटी आपका टिक का निशान है लेकिन एक्चुअल में पी है, तो आप पी की भी आप पे फिल्टर पी की भी आप पे कंडीशन सब कुछ लगा सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम और भी है कि ये जो पी है हमारा, ये जो फॉर्मेटिंग है, ये आपका विंडो का पार्ट होता है, एक्सेल का पार्ट नहीं होता। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपके सिस्टम में इस तरह की फॉन्ट अवेलेबल ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में एक और तरीका है कि हम जे है हमारे पास, जे को लिखेंगे और इसके इसके ऊपर यहां पे आपके सामने रोटेशन होता है जिसमें माइनस 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना होता है। जी हाँ, अगर इसको क्लिक करेंगे यहां पे तो यहां पे आपको माइनस 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो क्या रोटेशन का काम इतना ही है? नहीं, इसका एक काम, एक और काम हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, मैंने ये अटेंडेंस का डेटा बना लो मान लीजिए, और मैं यहाँ पे डेट ले लिया, डेट को ड्रैग कर देता हूँ, डेट को ड्रैग कर देता हूँ, ये डेट है हमारा। और अब प्रॉब्लम क्या है कि इस डेट में मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट आउट निकालना है, वो भी एक पेज पे। बट प्रिंट आउट एक पेज पे निकालना मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो है डेटा हेडिंग वगैरह बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ पे देखता हूँ, जैसे एट अटेंडेंस है हमारा, और इसमें बॉर्डर भी लगा लेता हूँ सिलेक्ट करके यहाँ से। प्रॉब्लम ये है कि अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो एक पेज पे प्रिंट नहीं होगा। हम ऐसे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो इसका ये है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है इसको लैंडस्केप भी कर देता हूँ, इसकी मार्जिंग में भी नैरो मार्जिंग कर देता हूँ, सबसे कम मार्जिंग, फिर भी एक पेज पे प्रिंट नहीं आ रहा। रीजन है क्योंकि हमारा डेटा तो छोटा ही है बट हमारा कॉलम का हेडिंग काफी बड़ा। तो हमने क्या किया कि इस कॉलम को सिलेक्ट किया और इसकी ओरिएंटेशन को रैप कर दिया, रोटेट टेक्स्ट डाउन कर दिया इस तरह से या अप कर दिया, और फिर पूरे सीट को सिलेक्ट किया और किसी भी कॉलम के पार्टीशन पे जाके मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। अब मैं इसको एक पेज पे प्रिंट आसानी से ले सकता हूं। ठीक है सर, आसानी से। तो इस तरह की भी चीजें हम अपनी रिपोर्ट में करते हैं और उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ नाम लिखा सुजीत कुमार, तो ये अगले कॉलम में चला गया, अभी दिख रहा है पूरा क्योंकि अब इस कॉलम ब्लैंक है। जैसे इस कॉलम में हम कुछ लिखेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा तो देखिए छुप जाएगा। तो क्या करें जो ये ना दिखे? तो हमारे पास एक रैप टेक्स्ट होता है तो टूट के नीचे आ गया है, लेकिन जो टूट के नीचे आया है कॉलम की साइज स्पेस और काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए आया है, तो मुझे उसको ऐसा नहीं करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि ये ऐसा ना हो। ठीक है, इसके लिए अपने हिसाब से करना हो तो अल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो अपने हिसाब से टूट के नीचे की तरफ आएगा। जी हाँ, अपने हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये टूटता है मतलब रैप होता है तो रो बड़ा हो जाता है, तो हम डबल यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट मतलब कॉलम बड़ा हो जाएगा, कॉलम बड़ा नहीं करेंगे तो रो बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे ना कॉलम बड़ा करना है ना रो बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि ऑटोमेटिक फिट हो जाए, इस साइज में ऑटोमेटिक हमारा फिट हो जाए। तो इस केस में राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल और यहां पे हम रैप टू टेक्स्ट, यहां पे सिंक टू फिट होता है, सिंक टू फिट करते हैं। तो सिंक टू फिट में क्या होगा कि कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट का साइज हो जाएगा।
अब मैं कल इसको बड़ा करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा छोटा हो जाएगा, तो बड़ा कहां तक होगा, एक इसकी एक ओरिजिनल साइज तक ही बड़ा होगा। तो श्रिंक टू फिट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बाकी तो नॉर्मल है, रैप टेक्स है, एक इमर्जेंसी सेंटर है, एक हमारा इमर्जेंसी क्रॉस होता है जैसे कि इसको वन बाय वन इस तरह से मर्ज करता है, सिर्फ कॉलम को रो को नहीं करता है। तो इसी होते आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर, ठीक है सर? तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम मिलते हैं कल नंबर फॉर्मेटिंग के लिए।